गुड इवनिंग। पिछली क्लास में हम इंटेस्टाइनल जूस के बारे में पढ़ रहे थे। इंटेस्टाइनल जूस में मैंने बताया था प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम डाइपेप्टिडेज पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम तीन मैंने बताए हैं, एक माल्टीज है, लैक्टीज है और सुक्रीज है। फैट डाइजेस्टिव एंजाइम लाइपेज है। तुमको मैंने बताया था कि इंटेस्टाइनल जूस के अंदर न्यूक्लियस एंजाइम नहीं पाया जाता है। यह 2016 का क्वेश्चन है, नीट में आया था कि न्यूक्लिक एसिड के अंदर इंटेस्टाइनल जूस के अंदर कौन सा एंजाइम अब्सेंट होता है। तो आपका आंसर है न्यूक्लियस एंजाइम अब्सेंट होता है। इसके अंदर न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम पाए जाते हैं। क्या काम करते हैं अपन ने सब कुछ पढ़ा है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, अब इतना सब कुछ पढ़े हैं तो पहले अपन डाइजेशन की डेफिनेशन के बारे में देखें। डाइजेशन क्या है? एक मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस है। इस प्रोसेस के द्वारा नॉन डिफ्यूजिबल फूड पार्टिकल्स को डिफ्यूजिबल फूड पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया जाता है। मैंने क्या बताया, ऐसे फूड पार्टिकल जो सेल के अंदर डिफ्यूज नहीं हो सकते हैं उनको डिफ्यूजिबल पार्टिकल में कन्वर्ट कर देना, फॉर्म में कन्वर्ट कर देना डाइजेशन कहलाता है। डाइजेशन टू टाइप का होता है, एक इंटरसेलुलर डाइजेशन और दूसरा इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इंटरसेलुलर डाइजेशन का मतलब जब डाइजेशन की प्रोसेस सेल के बाहर होती है तब उसे क्या कहते हैं, इंटरसेलुलर डाइजेशन। इसी को क्या कहते हैं, एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन। मतलब प्रोसेस ऑफ डाइजेशन अकर्स आउटसाइड ऑफ सेल्स लाइक इन द आल वर्टिब्रेट। अपन लोगों में ह्यूमन में डाइजेशन कैसा होता है, इंटरसेलुलर डाइजेशन, क्योंकि सेल के बाहर होता है एलिमेंट्री कैनाल में। और दूसरा इंट्रासेलुलर डाइजेशन, व्हेन प्रोसेस ऑफ डाइजेशन अकर्स इनसाइड ऑफ सेल। जब डाइजेशन की प्रोसेस सेल के अंदर होती है तब उसे क्या कहते हैं, इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहते हैं। इंट्रासेलुलर डाइजेशन अमीबा में मिलता है, पैरामीशियम में मिलता है, योग्लिना में मिलता है, इन सब में डाइजेशन सेल के अंदर होता है। तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन हमने देखा किसमें पाया जाता है। एक बात और तुमको बता दें, फाइलम प्रोटोजोआ से लेकर के कार्डेट तक जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सब में डाइजेशन पहले एसिडिक मीडियम में होता है, देन बेसिक मीडियम में। कोई भी ऑर्गेनिज्म ऐसा आपको नहीं मिलेगा जिसमें डाइजेशन पहले बेसिक में हो रहा हो बाद में एसिडिक में, नेवर पॉसिबल। हमेशा डाइजेशन पहले एसिडिक मीडियम में होगा देन बेसिक मीडियम में होगा। फाइलम प्रोटोजोआ टू फाइलम कार्डेट, कोई भी ऐसा एनिमल्स नहीं है। दूसरी बात देखा जाए, डाइजेशन के बाद में क्या आता है, एब्जॉर्प्शन आता है। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, जब डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल को ब्लड में मिक्स कर दिया जाता है। जब डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल को ब्लड में मिला दिया जाता है तब उसे क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। एब्जॉर्प्शन देखा जाए तो तीन टाइप का होता है, एक होता है पैसिव एब्जॉर्प्शन, दूसरा होता है एक्टिव एब्जॉर्प्शन और तीसरा होता है फैसिलिटेटेड एब्जॉर्प्शन। सबसे पहले हम पैसिव एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं। अगर एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस में एनर्जी का यूज नहीं हो रहा है तब उसे क्या कहेंगे, पैसिव एब्जॉर्प्शन कहते हैं। यदि एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस में एनर्जी का यूज नहीं हो रहा है तब उसे हम क्या कहेंगे, पैसिव एब्जॉर्प्शन। इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल पर क्वेश्चन आ सकता है। सम मोनोसैकेराइड लाइक ग्लूकोज,
अमीनो एसिड एंड क्लोराइड आयन, इनका एब्जॉर्प्शन कैसा होता है? सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा होता है, मतलब पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है। इनके एब्जॉर्प्शन में एनर्जी का यूज नहीं होता है। मैंने क्या बताया, सब मोनोसैकेराइड लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड क्लोराइड आयन, इनका एब्जॉर्प्शन सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा होता है। ओके, दूसरी बात मैंने बताया एक्टिव एब्जॉर्प्शन। एक्टिव एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, एनर्जी का यूज होता है। अगर एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तब उसे एक्टिव एब्जॉर्प्शन कहते हैं। अब देखा जाए एक्टिव एब्जॉर्प्शन किस किस का होता है। एक्टिव एब्जॉर्प्शन किसका होता है, अमीनो एसिड का होता है एक्टिव एब्जॉर्प्शन, सोडियम आयन का भी एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है, और मेजॉरिटी ऑफ ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन भी एक्टिव होता है। ये बात तुम्हें याद रखना है। मैंने किसका किसका बताया, एक्टिव एब्जॉर्प्शन अमीनो एसिड का होता है, और अमीनो एसिड का पैसिव भी हो रहा था और एक्टिव भी होता है। पैसिव में क्या मैंने बताया था, सम मोनोसैकेराइड लाइक ग्लूकोज, और यहां पर मेजॉरिटी में ग्लूकोज एक्टिव एब्जॉर्ब किया जाता है, अमीनो एसिड का एब्जॉर्प्शन होता है और सोडियम आयन का एब्जॉर्प्शन होता है, तो इनका एब्जॉर्प्शन एक्टिव होता है। और कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं लाइक फ्रैक्टोज शुगर की बात करें या अमीनो एसिड की बात करें, तो इनका एब्जॉर्प्शन कुछ कैरियर आयंस के हेल्प से होता है। कौन से कैरियर आयन की हेल्प से होता है, लाइक सोडियम आयन की हेल्प से होता है। अगर किसी का एब्जॉर्प्शन किसी आयन की हेल्प से हो रहा है या किसी की सहायता से हो रहा है तब उसे क्या कहेंगे, फैसिलिटेटेड एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो फैसिलिटेटेड एब्जॉर्प्शन किसका होता है, फ्रैक्टोज का होता है, अमीनो एसिड का होता है। यहां पर एक बहुत अच्छी बात हमको देखने को मिल रही है एब्जॉर्प्शन, अमीनो एसिड का एब्जॉर्प्शन पैसिव भी हो रहा है, एक्टिव भी हो रहा है और फैसिलिटेटेड भी हो रहा है। ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन पैसिव से कम हो रहा है, एक्टिव से ज्यादा हो रहा है। अमीनो एसिड का एब्जॉर्प्शन फैसिलिटेटेड माध्यम से हो रहा है, मतलब कैरियर की हेल्प से हो रहा है। सोडियम आयन का भी एब्जॉर्प्शन हो रहा है फैसिलिटेटेड। तो ये एब्जॉर्प्शन है, तो सीधी सी बात याद रखना है, अगर एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस में एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं है तब उसे पैसिव एब्जॉर्प्शन कहेंगे, और अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तब उसे एक्टिव एब्जॉर्प्शन कहेंगे। अगर किसी सब्सटेंस के एब्जॉर्प्शन किसी की हेल्प से हो रहा है तब उसे फैसिलिटेटेड एब्जॉर्प्शन कहते हैं। एब्जॉर्प्शन होने के बाद क्या आता है, एसिमिलेशन आता है। एसिमिलेशन क्या होता है, जब एब्जॉर्ब फूड पार्टिकल को सेल के साइटोप्लाज्म में मिक्स कर दिया जाता है तब उसे क्या कहेंगे, एसिमिलेशन कहते हैं। और इजेशन क्या होता है, जब अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स को बॉडी के बाहर इलिमिनेट कर दिया जाता है तब उसे क्या कहते हैं, इजेशन कहते हैं। क्या कहेंगे, इजेशन कहते हैं। दूसरी बात देखा जाए, अब हम ज्यूजिनम और इलियम की बात करने जा रहे हैं। ज्यूजिनम का डायमीटर अधिक होता है इलियम की तुलना में, मतलब डायमीटर ऑफ ज्यूजिनम लार्जर देन इलियम,
ये बात हमने पहले ही देखा है। और एक बात मैंने बताया है, कीलियम का अंतिम सिरा स्वलन होता है, जिसे अपन क्या कह रहे थे, सैकुलस रोटेंडस कह रहे थे। और सैकुलस रोटेंडस के अंतिम सिरे पर इलियोसेकल वाल्व पाए जाते हैं। एक बात और तुम्हें बताएं, अगर तुमसे पूछ लिया जाए, पिछले साल यह क्वेश्चन आ चुका है 2019 में, आप पेपर उठा करके देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था और मेजॉरिटी आप स्टूडेंटों ने गलत कर बैठे। क्वेश्चन यह पूछा गया था, विलाई कहां पर पाए जाते हैं? ऑप्शन था ड्यूडेनम में मिलते हैं, जोजलम में मिलते हैं, इलियम में मिलते हैं, और चौथा ऑप्शन था ऑल ऑफ द एबव। तो ऑल ऑफ द एबव में मिलते हैं, चाहे वो ड्यूडेनम हो, चाहे वो जोजलम हो, चाहे वो इलियम हो, विलाई हर जगह पाए जाते हैं। आपको कंफ्यूज करने के लिए वहां पर इन्होंने ऐसा क्वेश्चन बना दिया। तो विलाई इंटेस्टाइन के अंदर पाए जाते हैं और एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। अगर तुमसे पूछा जाए लार्जर विलाई कहां पर मिलते हैं, तो इलियम में मिलते हैं। और यहां पर इलियम की स्पेलिंग मैंने क्या बताया, स्मॉल इंटेस्टाइन में ILEUM, और ILIUM ये बोन है, ये पेल्विक गड़िल की बोन है, ये पेल्विक गड़िल है, इसकी एक बोन है। तो सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कहां पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट पे होता है, क्योंकि वहां पर लार्ज विलाई प्रेजेंट होते हैं। अब एक चीज और हम आपको बता दें, एब्जॉर्प्शन की बात हमने की थी अभी, एब्जॉर्प्शन की यूनिट क्या होती है, विलाई होती है। अब विलाई के बारे में थोड़ा सा अपन देखें क्या होते हैं विलाई। इंटेस्टाइन के अंदर विलाई प्रेजेंट होते हैं, सपोज करिए यहां पर ये विलाई है, ये मान लेते हैं एक विलाई है, और तुमको मैंने बताया है म्यूकोसा लेयर सिंपल कॉलुमेनर एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। यह सिंपल कॉलुमेनर एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है म्यूकोसा लेयर, और म्यूकोसा लेयर ही फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है। इन प्रोजेक्शन को क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बताने जा रहे हैं, ध्यान रखना। तो ये क्या कहलाते हैं, ये विलाई कहलाते हैं, ये विलाई कहलाते हैं। अब देखा जाए क्या होता है, विलाई के अंदर ब्लड वेसल्स पाई जाती है, विलाई के अंदर ब्लड वेसल्स पाई जाती है। ब्लड वेसल्स का, ब्लड कैपिलरीज का एक नेटवर्क पाया जाता है। इस प्रकार से ये ब्लड कैपिलरीज का पूरा एक नेट पाया जाता है, इस प्रकार से ब्लड कैपिलरीज का एक नेट पाया जाता है। ये कहां पर मिलेगा, विलाई के अंदर पाया जाता है ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क। तो इसे क्या कहते हैं, ब्लड कैपिलरीज कहते हैं, ये ब्लड कैपिलरीज कहलाती है, ब्लड कैपिलरीज कहलाती है। दूसरी बात देखा जाए, विलाई के अंदर ही एक लिम्फ वेसल्स पाई जाती है। इस प्रकार से इसके अंदर सिंगल लिम्फ वेसल्स पाई जाती है, इसको क्या कहते हैं, लिम्फ वेसल्स कहते हैं, ये लिम्फ वेसल कहलाती है, वेसल कहलाती है। अब देखा जाए क्या होता है, इसका मतलब विलाई के अंदर ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क पाया गया है, लिम्फ वेसल्स पाई गई है। इस लिम्फ वेसल्स को लैक्टियल भी कहते हैं। कई बार पीएमटी में क्वेश्चन पूछा गया है, लैक्टियल कहां पर पाए जाते हैं, तो आपका आंसर है विलाई, ये लैक्टियल्स, ये लैक्टियल्स भी कहलाते हैं। अब देखा जाए प्रश्न आता है, लैक्टियल्स क्यों कहलाते हैं? मैंने तुमको बताया कि फैट की यूनिट क्या होती है, फैटी एसिड एंड ग्लिसराल होते हैं। ये फैटी एसिड और ग्लिसराल वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, जब वाटर में घुलते नहीं है तो इनका एब्जॉर्प्शन कैसे हो, कैसे यहां से अंदर आए,
तो यहां पर सपोज करिए ये फैटी एसिड है, मान लेते हैं एक ये है और एक ये है, ये क्या है फैटी एसिड है, ये फैटी एसिड है और इसे क्या कहते हैं ग्लिसरॉल कहते हैं। ध्यान रखना, कंफ्यूज कर सकते हो। तो ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल अब कैसे ब्लड कैपिलरीज के अंदर जाए, कैसे एब्जॉर्ब हो, तो होता क्या है ये दोनों मिल करके छोटी छोटी ड्रॉप बना देते हैं। इस प्रकार से ये छोटी छोटी ड्रॉप बना लेते हैं, ड्रॉपलेट बन गई छोटी छोटी स्मॉल ड्रॉपलेट, और ये ड्रॉपलेट कहां आती है यहां पर विलाय की म्यूकोसा सेल के पास में आती है। जब ये म्यूकोसा सेल के पास में आती है तो इनके चारों तरफ एक कवरिंग बन जाती है। जो कवरिंग बनती है उसे क्या ये कवरिंग किसकी बनती है, प्रोटीन की कवरिंग बनती है, ये प्रोटीन की कवरिंग बन गई। जो प्रोटीन की कवरिंग बन जाती है इन्हें क्या कहते हैं, काइलोमाइक्रॉन कहते हैं। ये क्या कहलाते हैं, काइलोमाइक्रॉन, ये काइलोमाइक्रॉन कहलाते हैं, माइक्रॉन कहलाते हैं, और ये क्या कहलाते हैं, मेसेल कहलाते हैं। ये मेसेल्स कहलाते हैं और ये काइलोमाइक्रॉन्स कहलाते हैं। काइलोमाइक्रॉन्स क्या काम करते हैं, अब यहां से अंदर जाते हैं और ये डायरेक्ट लेफ्ट वेसल्स के अंदर एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। तो फैट किस माध्यम में एब्जॉर्ब की जाती है, काइलोमाइक्रॉन्स के रूप में लिम्फ वेसल्स में जाती है। इस फैट के एब्जॉर्ब होने के कारण लिम्फ वेसल्स व्हाइट कलर की दिखती है, मिल्क लाइक। इसीलिए लिम्फ वेसल्स को क्या कहते हैं, लैक्टियल्स कहते हैं, जो विलाई के अंदर पाई जाती है। तो लैक्टियल्स कहां पर पाए जाते हैं, विलाई के अंदर पाए जाते हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए, कंफ्यूज मत होना। फैट की यूनिट क्या होती है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल होती है। ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल वाटर में सोलेबल नहीं होते, इसलिए इनका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। अब इनको एब्जॉर्ब करने के लिए ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिलकर के छोटे छोटे स्मॉल ड्रॉपलेट बना लेते हैं। उन स्मॉल ड्रॉपलेट्स को क्या कहते हैं, मेसल्स कहते हैं। ये मेसल्स ये म्यूकोसा लेयर के कांटेक्ट में आए, विलाई की म्यूकोसा लेयर के कांटेक्ट में आए और इनके चारों तरफ एक प्रोटीन की कवरिंग बन जाती है। जब प्रोटीन की कवरिंग बन जाती है तब उसे क्या कहते हैं, काइलोमाइक्रॉन्स कहते हैं। अब काइलोमाइक्रॉन्स के रूप में ये अंदर जाते हैं। यहां पर क्या है, विलाई के अंदर लिम्फ वेसल्स है, लिम्फ वेसल्स के अंदर ये इंटर करते हैं। अब फैट कैसी होती है, व्हाइट कलर की होती है। जब व्हाइट कलर की कोई चीज एब्जॉर्ब की जाएगी तो वो चीज व्हाइट कलर की दिखती है। तो यहां पर विलाई के अंदर जो लिम्फ वेसल्स मिलती है वो व्हाइट कलर की होती है, दूध जैसी होती है, मिल्क की। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, लैक्टियल्स कहते हैं। कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लैक्टियल्स कहां पर मिलता है, तो आपका आंसर होगा इंटेस्टाइन के विलाई में लैक्टियल्स प्रेजेंट होते हैं, इंटेस्टाइन के विलाई में लैक्टियल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब फिर लिम्फ वेसल्स क्या काम करती है, इन काइलोमाइक्रॉन्स को ब्लड में छोड़ देती है। इस प्रकार से फैट का एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है। दूसरी बात देखा जाए तो ये तो विलाई की बात मैंने बताई, दूसरी बात अब लीवर के बारे में थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। लीवर पर इस साल नहीं, लास्ट ईयर 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था कि गिलिसन कैप्सूल किसमें पाया जाता है, मैस द कॉलम का ये क्वेश्चन था। तो गिलिसन कैप्सूल किसमें मिलता है, लीवर में मिलता है। लीवर पर चार पांच क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, लीवर की ओरिजिन कैसी होती है, इंडोडर्मल होती है, याद रखना है लीवर की ओरिजिन इंडोडर्मल होती है।
दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, लीवर लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड इन द बॉडी। लीवर क्या है? लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन द बॉडी, सॉरी लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड इन द बॉडी। और लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है? थायराइड होती है। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है? थायराइड ग्लैंड। और लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी है? लीवर है। यह बात तुम्हें याद रखना पड़ेगा। और लीवर की ओरिजिन कैसी होती है? इंडोडर्मल होती है। वेट कितना होता है लीवर का? 1.2 kg से लेकर के 1.5 kg तक होता है। लीवर कहां पर मिलती है? एब्डोमिनल कैविटी में मिलती है, डायफ्राम के जस्ट नीचे पाई जाती है, जस्ट बिलो द डायफ्राम। और ये बाइलोब्ड होती है। कितने लोब की होती है? बाइलोब्ड की होती है। लीवर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होती है? हेपेटिक लोब्यूल्स होते हैं। ये बात याद रखना है। लीवर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होती है? हेपेटिक लोब्यूल्स होते हैं। और हेपेटिक लोब्यूल्स में जो सेल होती है वो हेपेटिक कार्ड के रूप में पाई जाती है, एक रो में अरेंज होती है। और प्रत्येक हेपेटिक लोब्यूल्स चारों तरफ से थिन कनेक्टिव टिश्यू की सीथ के द्वारा कवर्ड होता है। जो थिन कनेक्टिव टिश्यू की सीथ होती है उसे गिलिसन कैप्सूल कहते हैं। और गिलिसन कैप्सूल केवल मैमल्स के लीवर में पाया जाता है और किसी में नहीं पाया जाता है। अगर तुमसे पूछ लिया गया, बहुत सारे लीवर रखे हुए हैं, और पूछ लिया गया बताइए कौन सा मैमल्स का लीवर है, तो हम सबसे पहले देखेंगे गिलिसन कैप्सूल। अगर गिलिसन कैप्सूल पाया गया है इसका मतलब वो मैमल्स का लीवर है, और अगर गिलिसन कैप्सूल नहीं पाया गया है इसका मतलब वो मैमल्स का लीवर नहीं है। और एक बात बताएं, लीवर के अंदर मैमल्स के एक फैगोसिटिक सेल पाई जाती है जिन्हें कुफर सेल कहते हैं। कुफर सेल पाइथोजनस माइक्रोब्स को फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा खाकर नष्ट करती है। अब जो बोल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका मतलब गिलिसन कैप्सूल एंड कुफर सेल का पाया जाना मैमल्स के लीवर का स्पेसिफिक करेक्टर होता है। यह बात जरूर याद रखना है, गिलिसन कैप्सूल और कुफर सेल का पाया जाना मैमल्स के लीवर का स्पेसिफिक करेक्टर है। ये केवल मैमल्स के लीवर में मिलते हैं और कहीं नहीं पाए जाते हैं। गिलिसन कैप्सूल पर क्वेश्चन इसी साल, सॉरी 2019 में पूछा गया, पिछले साल मैच द कॉलम में, तो लीवर में गिलिसन कैप्सूल पाया जाता है। कुफर सेल भी लीवर में पाई जाती है। लीवर बहुत सारे काम करता है हमारी बॉडी के अंदर, तो ये मालूम होना चाहिए। लीवर आगे चल करके बताएंगे, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए यूरिया का प्रोडक्शन कहां पर होता है तो आपका आंसर होगा लीवर। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है यूरिन का प्रोडक्शन कहां पर होता है तब आपका आंसर होगा किडनी। अब किडनी में कहां पर बनता है यूरिन में? किडनी में यूरिन कहां बनता है? यूरिनिफेरस ट्यूबुल्स में मिलता है। और यूरिनिफेरस ट्यूबुल्स का ही दूसरा नाम क्या है? नेफ्रॉन है, जो किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहलाते हैं। तो याद रखना, यूरिया का प्रोडक्शन लीवर में होता है और यूरिन का प्रोडक्शन किडनी में होता है। दूसरी बात देखा जाए, लीवर क्या काम करता है? एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर लेता है। जब ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर किया जाता है तब उसे क्या कहते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। व्हेन ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन इन द लीवर एंड मसल सेल, दिस इज नोन एज
ग्लाइकोजेनेसिस। और अगर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाए तब उसे क्या कहते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। व्हेन ग्लाइकोजन कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज दिस इज नोन एज ग्लाइकोजिनोलाइसिस। और अगर प्रोटीन को या फैट को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है तब उसे क्या कहेंगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस। व्हेन प्रोटीन और फैट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज दिस इज नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। और एक प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस। व्हेन ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू पाइरूविक एसिड दिस इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। और ग्लाइकोलिसिस कहां पर होता है, सेल के साइटोप्लाज्म में इन द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन। तो चार टर्म तुमको मैंने बताया, एक ग्लाइकोजेनेसिस, दूसरा ग्लाइकोजिनोलाइसिस, तीसरा ग्लूकोनियोजेनेसिस और चौथा ग्लाइकोलिसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस पर क्वेश्चन पीएमटी में आ चुका है, बाकी पर नहीं आया। तो ये चारों प्रोसेस तुम्हें याद रखना है। दूसरी बात, एक डिजीज तुमने सुना है जॉइंटिस, जॉइंटिस में कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड होता है, लीवर अफेक्टेड होता है। ये बाइल पिगमेंट ब्लड में मिक्स होने लगते हैं और बाइल पिगमेंट तुमको मैंने बताया है येलोइश ग्रीन कलर के होते हैं। तो आंखें जो है, नाखून जो है, स्किन है, ये येलोइश ग्रीन कलर की हो जाती है, तब वो डिजीज को क्या कहते हैं, जॉइंटिस कहते हैं। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जॉइंटिस में कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड होता है, तो आपका आंसर है लीवर। तो आज की सेवा यहीं तक, और डाइजेस्टिव सिस्टम तुम्हारा कंप्लीट हुआ है, कल से हम रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट करेंगे। और बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छे से तैयारी करो और मेरी समझ से जितना मैंने पढ़ाया है एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। जम करके मेहनत करो, रेगुलर मेरे नोट्स पढ़ते रहो।